अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड सिखाऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फाइंड करने का, इन्वर्स फाइंड आउट करने का इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल होता है ए इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। ठीक है, ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है? ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए के, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, और इसी तरह ए के डिटर्मिनेंट जो होता है वो अगर उसका आंसर इक्वल टू जीरो आ जाता है, मींस के सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इन्वर्स मेथड जो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। मींस मेरे कहने का कि ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी हुई आपके सामने, 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। ठीक है, मैं यूजिंग इन मैट्रिक्स, पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे जाएंगे, 3 - 2 5 - 2 इंटू एक्स एंड वाई इक्वल होगा ये -6 और -10 के। ठीक है, हम लेट कर लेंगे ए इक्वल है 3 - 2 5 - 2, ये वैल्यू एक्स के इक्वल होती है, इंटू एक्स एंड वाई बी इक्वल होता है -6 और -10 के। अगर देखा जाए फार्मूले के मुताबिक एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी है, लेकिन ए इन्वर्स नहीं है, तो इन्वर्स इसी तरह निकाल लेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं इसका ए का डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करूंगा और ये देखूंगा कि इसका आंसर जो है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन हमें पता लगेगा कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। उसी तरह डिटर्मिनेंट के साइन आएंगे। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हुए क्या मेथड होता है? फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, मिड में साइन माइनस का आ जाता है, और फोर्थ और सेकंड वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, अगर हमने इसको मैनुअल सॉल्व करना है मैनुअल सॉल्व करने, अगर आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6 होगा लेकिन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट 5 2 10 लेकिन माइनस में क्योंकि अंदर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट -6 और -, अंदर सारे के साइन चेंज कर देगा, 10 माइनस में है तो क्या आ गया वो प्लस में, तो +10 में से -6 गए +4, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हम आगे पॉसिबल करेंगे। अब आगे हम इसका लेंगे एडजॉइंट, डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ए स्टैंड फॉर है यहाँ पे मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट लेते वक्त हम फर्स्ट एंड फोर्थ को रिप्लेस कर देते हैं, मींस के -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला गया, और सेकंड और थर्ड वैल्यू के आपस के साइन चेंज कर देंगे, इनके -5 और +2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए के, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं ए के डिटर्मिनेंट के साथ बाय पुटिंग द वैल्यू इन विच ए इन्वर्स इनटू ए एडजॉइंट ऑफ ए के आपके पास -2 2 -5 और 3। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला है 4 4 आ गया। ठीक है, अब तमाम वैल्यूज के साथ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, -2 ओवर 4 2 बाय 4, -5 बाय 4 और 3 बाय 4। कटिंग होती है तो हम कटिंग भी कर लेंगे, कटिंग इसकी हो रही है 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, बाकी किसी की कटिंग नहीं हो रही, तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया -1 बाय 2 1 बाय 2, -5 बाय 4 और 3 बाय 4 आ गया। फार्मूले के मुताबिक आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई, और बी की ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है, तो हम लिखेंगे कि x इक्वल होता है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? x एंड y के। ठीक है, और a इनवर्स क्या है आपके पास? -1 बाय 2 -5 बाय 4 1 बाय 2 3 बाय 4, ये मल्टीप्लाई होगी b के साथ। ठीक है, b आपके पास क्या है? -6 और -10। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि दो मैट्रिसेस आपस में किस तरह मल्टीप्लिकेशन की जाती है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए हमें पता लगता है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ये रो ये कॉलम मीन्स के -1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -6, मिड में साइन प्लस का, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस का साइन आता है,
वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन, उसी तरह माइनस फाइव बाय फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स प्लस थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन इंटू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने मैनुअली सॉल्व करना है मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। इंटू मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटू वन बाय टू इंटू मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन, इसका आंसर आ गया माइनस टू। ठीक है, इंटू एक्स एंड वाई माइनस टू, और उसी तरह हम दूसरे का भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस फाइव बाई फोर इंटू मल्टीप्लाई बाई माइनस सिक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन ब्रैकेट ओपन इंटू थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस टेन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ज़ीरो। वाई का आंसर क्या है आपके पास, ज़ीरो आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरह एक्स का आंसर किसके इक्वल हो गया, माइनस टू के। वाई का आंसर किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के। इसको हम सॉल्यूशन सेट में भी क्लोज कर लेंगे। आज मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा कि जो हमारे एक्स एंड वाई के आंसर आए हैं क्या ये हमारे पास 100% श्योर हैं या नहीं है। ठीक है, चले आए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो आपके एक्स एंड वाई के जो आंसर आए हैं ये 100% श्योर है कि नहीं है। चले हम इक्वेशन लिखते हैं, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, बाय पुटिंग वैल्यूज इन विच थ्री इंटू माइनस टू, माइनस टू इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स, फाइव इंटू माइनस टू, माइनस टू इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टेन, टू थ्री दा सिक्स, लेकिन माइनस में माइनस का माइनस, टू ज़ीरो दा ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स, फाइव टू ज़ा टेन, लेकिन माइनस टेन आएगा, माइनस का टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस माइनस ज़ीरो का कोई कंसिडर नहीं होता, ज़ीरो सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इसी तरह माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस टेन। यानी कि हमारी जो दोनों आंसर आए हैं वो आपके पास क्या है, 100% श्योर है कि आपके तमाम आंसर जो हैं एक्यूरेट आए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह के जो दूसरे क्वेश्चन हैं आपके सामने उसी तरह के ट्रिक्स और ईजी फॉर्म में, और आपको ये बताऊँगा कि आपके आंसर किस तरह एक्यूरेट है, कि आपने जो सवाल सोल्व किया है कि क्या ये आपके पास एक्यूरेट आंसर हैं या नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।